रेडवुड बग का समूह उत्पादन। आइए हम परभक्षी रेडवुड बग के बड़े पैमाने पर खेत या फार्म पर उत्पादन के बारे में जानें। राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान ने रेडवुड बग को बड़े पैमाने पर उत्पादन शुरू कर दिया है और खेती स्तर पर इसके लिए कई सरल तरीके तैयार किए हैं। NIPHM कृषिक समुदायों को इन प्रौद्योगिकियों को सक्षम करने के लिए वैज्ञानिक कृषि अधिकारियों छात्रों को प्रशिक्षण देने के लिए कदम उठा रहा है। रेडवुड बग कृषि परिस्थितियों तंत्र में पाए जाने वाले मुख्य परभक्षियों में से एक है। रेडवुड्स की दो प्रजातियां राइनोकोरिस मर्जेंटिस राइनोकोरिस फ्यूसिप्स हैं, जो लेपिडोप्टेरन लार्वा के अधिकांश का शिकार करती हैं। उनके शरीर के तरल पदार्थ को चूसकर जीवित रहती हैं। एक रेडवुड बग अपने रोस्ट्रम को लार्वा के गर्दन क्षेत्र में छेद कर उसके शरीर के तरल पदार्थ को चूसकर विशाल लेपिडोप्टेरन लार्वा का भी शिकार कर सकता है, जिसके कारण लार्वा जीवन के लिए संघर्ष करता हुआ मर जाता है। खेत में पाए जाने वाले लेपिडोप्टेरन लार्वा को सावधानी पूर्वक एकत्रित किया जा सकता है और उनके बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए रेडवुड बग को खिलाया जा सकता है। रेडवुड कीड़ों की आबादी बढ़ाकर जैव नियंत्रण को बढ़ाकर सिंथेटिक कीटनाशकों के उपयोग को भी कम किया जा सकता है। इस तरह से खेती में आई लागत को कम कर सकते हैं। महत्वपूर्ण परभक्षी जो कि रेडवुड बग्स हैं, उन्हें कम लागत पर और कम प्रयास के साथ खेती स्तर पर बड़े पैमाने पर उत्पादित किया जा सकता है। रेडवुड बग के बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए पहले प्लास्टिक के टब या कंटेनर को लेने की जरूरत है और उन्हें ठीक से साफ करना है। ये प्लास्टिक के टब 2 इंच मिट्टी से भरे हुए हैं। प्रत्येक कंटेनर में पानी में डूबा हुआ कपास प्लग और कंटेनर के भीतरी सतह पर शहद रखा जाता है। फिर इस तरह से मुड़े हुए मोटे कागज को कंटेनरों में रखना होता है, जैसे कि यहां दिखाया गया है। मादा रेडवुड कीड़े नालीदार कागज के किनारों पर अंडे देते हैं। 10 से 20 कोर्साइरा लार्वा को इनमें से प्रत्येक टब और जगह के इस तरह से छोड़ना जाना चाहिए। इस कंटेनर में से प्रत्येक में 10 जोड़ी रेडवुड बग्स को छोड़ा जाना है और एक मलमल के कपड़े से ढकना है। इन्हें रबर बैंड से सुरक्षित करना होगा। मादा रेडवुड कीड़े कागज के मध्य भाग की तह के साथ बैचों में अंडे देती हैं। अंडों के समूह वाले टुकड़ों को काटकर एक अलग प्लास्टिक कंटेनर में स्थानांतरित करना है। लगभग 5 से 7 दिनों के बाद अंडों से निकलने वाले लिम्फ देखी जा सकती हैं। रेडवुड के जीवन चक्र में 5 निम्फल इंस्टार होते हैं। नियमित रूप से केंचुली उतारते हुए इन तारों का आकार बढ़ जाता है। यह रेडवुड का 4th निम्फल चरण है, जिसमें बेहतर वृद्धि और आकार के साथ 5वें निम्फल इंस्टार भी यहां देखे गए हैं। यह इंस्टार अंततः पंखों वाले वयस्क में विकसित होते हैं। कोर्साइरा लार्वा रेडवुड बग के सभी चरणों के लिए फीड के रूप में उपयोग में लाया जाता है। विकास के चरण निर्भरता के आधार पर खिलाए गए कोर्साइरा लार्वा की संख्या को बढ़ाना होगा। रेडवुड बग के 5वें निम्फल इंस्टार के लिए यदि बड़ी संख्या में कोर्साइरा लार्वा प्रदान किया जाता है तो अपेक्षित दर पर विकास देखा जा सकता है। यह रेडवुड्स प्रदान किए गए कोर्साइरा लार्वा से शरीर के तरल पदार्थ को पूरी तरह से चूसकर जीवित रहते हैं। इस तरह से उत्पन्न कीड़ों से कुछ मादा और नर का उपयोग
बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। ये बड़े पैमाने पर उत्पादित रेडीवर्ड्स क्षेत्र में रिलीज होने पर जैविक नियंत्रण को बढ़ाते हैं और इस तरह कृषि में लाभ बढ़ाने में मदद करते हैं। तकनीकी मार्गदर्शन और जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद से संपर्क करें। तकनीकी मार्गदर्शन और जानकारी के लिए कृपया राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान राजेंद्र नगर हैदराबाद से संपर्क करें। धन्यवाद।